गिरधर गोपाल के भक्त मीराबाई का मध्यकालीन संतों में विशेष स्थान है। उसने अपनी भक्ति की जो मंदाकिनी अपने हृदय से निकाली है, कविताओं द्वारा प्रवाहित की है, उसने न केवल राजस्थान की मरुभूमि बल्कि सारे उत्तरी भारत को रसमगन कर दिया। मीराबाई का जन्म लगभग 1516 ईस्वी में राजस्थान के मेड़ता परगने के कुड़की या चौकड़ी गांव में हुआ था। मीरा जोधपुर के शासक रतन सिंह राठौर की पुत्री थी। मीरा अभी सिर्फ 4-5 वर्ष की ही थी कि उनकी माता का देहांत हो गया। इतनी कम उम्र में माता के देहांत को वह सहन नहीं कर पाई और बड़ी ही दुखी रहने लगी। उसके पश्चात उनका पालन पोषण उनके दादाजी ने किया। अपने दादा के धार्मिक विचारों से मीरा बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई। वह हमेशा अपने दादा के साथ ही रहती थी और हमेशा ही उनकी ही बातें मानते थे। 18 वर्ष की आयु में मीरा का विवाह मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के बड़े पुत्र भोजराज से कर दिया गया। लेकिन मीरा का वैवाहिक जीवन बहुत ही संक्षिप्त था। मीरा को शुरू से ही वैवाहिक जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तो केवल श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहना चाहती थी। परंतु विवाह के पश्चात भी उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विवाह के कुछ ही सालों के पश्चात लगभग 1 वर्ष के अंदर ही अंदर उनके पति की मृत्यु हो गई। इस तरह से मीरा छोटी आयु में ही विधवा बन गई। कुछ समय के बाद उनके जो ससुर थे उनकी भी मृत्यु हो गई। अब मीरा बिल्कुल बेसहारा हो गई। अतः वह संसार का मोह त्याग कर कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। वह साधुओं का सत्कार करती और अपने पैरों में घुंघरू बांधकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचने लगती थी। इस तरीके से मीरा ने अपने जीवन में भक्ति और नृत्य को ही अपना लिया और वह हमेशा ही श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी रहती थी। उसके ससुराल के लोगों ने उसके कार्यों को अपने कुल की मर्यादा के विपरीत समझा। जी हाँ, बिल्कुल, उनके जो घर के लोग थे उनका कहना था कि जिस तरीके से मीरा खुले आम नाचती है और हमेशा संतों के साथ रहती है, यह हमारे राजघराने की मर्यादा को बिल्कुल मिट्टी में मिला देगा। इसीलिए मीरा के ऊपर अनेक अत्याचार शुरू हुए और यहाँ तक उन्हें मारने का भी प्रयास हुआ। लेकिन ना तो जहर का प्याला उनका कुछ बिगाड़ सका, ना ही कोई सांप उनका कुछ बिगाड़ सका और ना ही सूली भी मीरा का बाल भी बाका कर सकी। इस विषय में मीरा ने खुद कहा था कि मारी मारी न मरूं, मेरो राखणहार और, यानी मैं मारने से नहीं मरूंगी, मुझे बचाने वाला तो कोई और है। यानी वो कहना चाहती थी कि तुम मुझे कितना भी मारने का प्रयास करो, मुझे बचाने वाले तो श्री कृष्ण जी हैं। इससे उनकी भक्ति भावना और बढ़ गई, लेकिन उनके परिवार के अत्याचार भी साथ साथ बढ़ते रहे। कहा जाता है कि मीरा ने अपने ससुराल वालों से तंग आकर गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा और उनसे सलाह मांगी। तुलसीदास जी ने मीरा को एक सन्यासी बनने का उपदेश दिया। उनका कहना था कि जब तक तुम इस जीवन के चक्कर में फंसी रहोगी, तब तक तुम सच्ची भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकती। इस तरीके से मीरा ने तुलसीदास जी की बात मानी और घर को त्याग कर एक साध्वी का रूप धारण किया। मीरा ने अपना घर बार छोड़ दिया और वह वृंदावन चली गई। वहाँ पर कुछ समय रहने के बाद मीरा द्वारका चली गई। कहा जाता है कि मीरा को द्वारका से लाने के लिए उनके ससुराल और मायके वालों ने अनेक ब्राह्मणों को भेजा, लेकिन वह कभी भी वापस नहीं आई और अंततः द्वारका में ही 1574 में मीराबाई का देहांत हो गया। इस तरीके से श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त और हमें अनेक कविताएं और दोहों को देने वाली महान कवित्री मीराबाई का अंत हो गया। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट, एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजिशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA INSTITUTE लिख कर भी सर्च कर सकते हो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, IELTS PT, TOEFL, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देते हैं।
और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोज़ हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोज़ हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोज़ को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।